बरसात का मौसम चल रहा है, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और ऐसे में जो रेंगने वाले जानवर हैं वो जो है वो अपने बिलों को छोड़कर बाहर आने लग गए हैं। और इसी कड़ी में गुड़गांव के मारुति कुंज में सहयोगी के मीडिया सेंटर में एक चिप्टन गौ नामक जंतु मिला है जो कि रेंगने वाला है, जिसको मॉनिटर लिजार्ड भी कहा जाता है। चिप्टन गो को देखकर सहयोगी बेहद डर गया था, जिसने उसके बाद जॉन्टी नामक उस युवक को बुलाया जो कि लंबे समय से जीव जंतुओं के लिए काम कर रहा है और वो इन प्रजातियों को जो बचाने का काम लंबे समय से कर रहा है। जॉन्टी इन्हें पकड़ने का भी अनुभव रखता है और उसने मौके पर पहुंच के उस चिप्टन गो को पकड़ा और दूर किसी जंगल में छोड़ आने की बात कही। ये आप एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे सूरज द्वैन जी, उनके वहाँ पे मिली है जी। और उनका फोन करने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा, काफी जाम के कारण मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट भी हो गया। तो ये ये कभी भी निकल सकते, जंगली जानवर है, कभी भी आ सकते हैं। कितनी हानि पर तो आ सकता है ये? हानि पहुंचाने को तो यह सिर्फ इससे आदमी की डेथ तो नहीं होती जी, मरता नहीं है, बट काफी इन्फेक्शन भी हो सकता है, काफी मतलब घाव भी कर देती है। और इसके नाखून आप देख रहे हैं इतने तगड़े हैं कि अगर आदमी को फाड़े तो बहुत ज्यादा फाड़ सकती है जी। और इसकी जो पूंछ है जी, इसकी जो पूंछ जब ये मारती है ना किसी के तो बहुत तगड़ी मतलब क्षति पहुंचती है शरीर। ये तो जी इस मौसम में तो देखो ज्यादातर सांप वगैरह मेरे पास आने में पूरे दिन में कॉल आती रहती है, रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारी कॉलें आती है जिनको मैं तुरंत टाइम पे पहुंचता हूं और उनको रेस्क्यू करता हूं, फिर उनको पहाड़ों पे ले जाकर रिलीज करता हूं सांपों को। आपको बता दें कि चिप्टन गो दिखने में बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह होता है, साथ ही ये एक तरीके की छिपकली होती है। चिप्टन गो की पकड़ बेहद मजबूत होती है क्योंकि इसके 5 इंच के नाखून इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं, साथ ही चिप्टन गो बार बार सांप की तरह अपनी जीभ को लपलपाती है। इसकी सबसे ज्यादा इसकी खासियत इसकी पूंछ होती है जो कि ये हमेशा इसकी पूंछ से ही मार करते हैं। देखो मैं मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि जितने भी जीव जंतु हैं इनको सिर्फ बचाने का आप प्रावधान रखें, हमेशा बचाओ इनको। इनको मारने से क्या होता है, जीव जंतु की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। देखो जी इस मौसम में बरतने के लिए आप ज्यादातर जूतों का इस्तेमाल करें और जहाँ भी किसी झाड़ी वगैरह में या किसी खेत वगैरह में जाते हो या किसी अपने फार्म हाउस में या पार्क में जाते हो तो लाठी डंडा साथ होना चाहिए, जिसकी धड़कन से जिसकी थोड़ी बहुत मतलब धमक होती है उसी से तो ये भाग जाते हैं आपको देखते, तो आपका बचाव उसमें काफ़ी हो जाए।